शांति। सत गुरुवार की विशेष गुड मॉर्निंग। एक ऐसा टॉपिक है जो बाहर वालों को समझना थोड़ा समय लगता, परंतु ब्राह्मण आत्माओं को भी समझने के लिए थोड़ा सा अधिक पुरुषार्थ करना होता। वो कौन सा टॉपिक है? ड्रामा। नयों को समझने के लिए तो खास करके विदेश में अच्छा योग्युक्त होकर के धीरे धीरे समझाना होता, परंतु ब्राह्मणों में भी देखा गया है कि कहेंगे कि हाँ हम ब्राह्मण को समझ गए, तभी तो ब्राह्मण बने जबकि पुरुषोत्तम संगम युग को जाना, परंतु फिर ड्रामा को अच्छी तरह से समझ करके उस अनुसार चलना, ये नंबर वार। तो आज बाबा की मुरली इसी टॉपिक पर है। यह है 14 तारीख की साकार बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होता। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएंगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती, ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। एक तरफ बाबा कहते कि ना कहो, दूसरी तरफ बाबा कहते पुरुषार्थ भी नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। नूंद कौन सी है? कि पुरुषार्थ करना ही है। गीत, ये कहानी है दीवे और तूफान की। सारे गीत में कहानी ही आ जाती कि कैसे आखिर में दीवे की ही जीत होती, तूफान कितने भी आए परंतु दीवा बुझ नहीं जाता। ओम शांति, ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु उनका अर्थ वो नहीं जानते, ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। बाबा का ध्यान एक एक शब्द एक्यूरेट हो, मीनिंगफुल हो, उस पर जाता। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्यौहार है। नवरात्रि की त्यौहार चल रही है, परंतु उससे शुरुआत ही होती है। जब संगम युग का त्यौहार है तो फिर और सब त्यौहार आते। ये त्यौहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष। उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम कौन है? कौन है?
आप सुन लेना, आज बाबा के एक भिन्न प्रकार का उत्तर है। शिव बाबा मुरली पड़ी हुई नहीं होंगी तो फिर ये उत्तर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि बाबा कभी ऐसे कहते हैं। परंतु ये भी एडवांस में स्टडी करना अच्छी बात है। ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर वन कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्र में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर वन श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर वन ये श्री कृष्ण जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता, सागर दिखा लिया, पीपल का पत्ता दिखा लिया। तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। बाबा बुद्धि को आज खेल करा रहे हैं, पहले कहा लक्ष्मी नारायण है, अभी फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है। अभी फिर और बाबा की बात सुनना। ज्ञान सागर से स्वर की स्थापना होती है, उनमें नंबर वन पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग तो है, पांचवा फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वो है ही परम आत्मा, परम पिता, परम आत्मा। फिर पुरुषोत्तम में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण, तो आत्माओं में उत्तम ते उत्तम शिव बाबा, फिर पुरुषों में लक्ष्मी नारायण। ऐसे को उन्हों को ऐसे किसने बनाया ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है, सीखने वाली भी है। अब लाएं कुबजाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनों के लिए कितना सहज समझाया जाता। इस बारी रायपुर से फिर हम गए एक और स्थान पर, धमंती। मैंने तो कभी ये नाम भी सुने नहीं है, परंतु जगतपुर के रास्ते में जाने पर वो स्थान आता। तो उन्होंने सभा, 2 घंटे की दूरी है, तो सीन तो बड़ी सुंदर, सारे रास्ते से चलते हुए चावल के खेत, हरियाली हरियाली, तालाब बहुत अच्छे। परंतु वहाँ पर पहुँचे, 8 बजे क्लास हुआ, और जैसे हमेशा मेजॉरिटी तो माताओं की ही थी, परंतु माताएं बेचारी ऐसी थी कुछ कुछ तो शायद पढ़ी लिखी भी होंगी, परंतु ऐसे थी गामरे की माताएं जो बात मत पूछो। परंतु ब्रजमोहन भाई ने भी बहुत हंसाया बहलाया, फिर हमने भी बहुत सिंपल तरह से क्लास कराया, तो बहुत प्यार से भावना से सुन रही थी। परंतु ये 40 वर्ष की बात नहीं है, आज की बात है कि अभी तक भी बिल्कुल अनपढ़ी आत्माएं माताएं सुन रही है बाबा के ज्ञान को। सीखने वाली भी है अब लाएं को बजाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनों के लिए
कितना सहज समझाया जाता। देखो ये कहानी कभी कभी बाबा याद करते। अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं हो फिर क्या गति सदगति उधार, तो उससे तो किसका नहीं हुआ, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने वंडरफुल एग्जाम्पल दिया है, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता जिससे झाड़ वृद्धि को पाता। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होंगी। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते, रियल, ये आर्टिफिशियल नहीं। कईयों की तो शायद आर्टिफिशियल हो भी, इंग्लैंड में मैंने देखा है, कराची में मैंने सुना है, आग को बिल्कुल पार कर लेते। उनसे भला फायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाती हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। सिंपल भी है परंतु फिर गुह्य भी है। जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है, शंकर का तो इस सृष्टि में पाठ नहीं है, शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पाठ है, शिव बाबा का भी इस समय पाठ है जो आकर ज्ञान देते हैं फिर निर्वाण धाम में चले जाते। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थी बनना अर्थात डेफिनेशन, गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। सच्चा सच्चा वानप्रस्थी है, आजकल वानप्रस्थ की आयु में भी वो बात नहीं रही। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसीलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते। कुमारियां भी निर्विकारी है, इसीलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो वो प्रजा का पिता, और शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वो है अविनाशी बाप। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल्स मिलते हैं, श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने उस समय, साकार बाबा ने, एक भाई थे जो शुरू में ही जैसे ही सेवा का कार्य शुरू हुआ वो उस समय ज्ञान में आए। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था
कि उनों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता, माला ही 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं, वो पांचवित ऑनर होती हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते, यज्ञ जब रचते हैं 108 की माला विसमरी जाती। फिर नेक्स्ट यज्ञ जब रचते तो कोई 1000 सालग्राम बनाते, कोई 50,000, कोई लाखों भी बनाते हैं मिट्टी के बनाकर, फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे थे, अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएगा, ये भी एक उनों की शान की बात हो जाती है, नाम की बात हो जाती है कि उसने इतना सब कुछ किया। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला भी बनाते, कि तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम सभी इतना पूजनीय इतना गायन योग्य क्यों, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ, बाप की पूजा होती तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है, बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं, इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है उसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु कभी कभी बाबा कहते हैं कि सब तो शिव बाबा के बच्चे हैं परंतु सब स्टडी नहीं करते, और आज बाबा कहते परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए। इसीलिए कह देते ये सब इतनी बातें जो बाबा ने बताई, पूजा किसकी होती क्यों होती ये तो बहुत डिटेल की बात, परंतु रियलिटी तो एक आत्मा ज्योति बिंदु है, उसमें क्या क्या है इतनी तक भी बात कोई भी नहीं बताती है, तो इसके लिए भक्ति में फिर गायन क्या आता। इसीलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते, ईश्वर के अंदर जो सीक्रेट्स भरे हुए हैं हर प्रकार से रचता रचना के कोई नहीं जानते। बाप भी आकर समझाते हैं, बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना, प्रेरणा की तो बात होती नहीं, भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या, तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को समझाते हैं, ये तो निश्चय है, परंतु निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं, सारे पढ़ाई का तंत्र क्या कहेंगे, पढ़ाई का सार, बाबा रोज इतना ज्ञान सागर ज्ञान झोली झोली भर करके दे रहे हैं और फिर उसका तंत्र उसका सार
ठीक बता रही हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता, ये कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? भक्ति में कहते आंख खोलने से विनाश हो जाता, बाप कहते ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते न मैं विनाश कराता हूँ न वो करते, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े पाप करेंगे, ड्रामा अनुसार जो नूंद है वो अपने आप ही मशीन फास्ट 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 भी चलती जा रही है। शिव बाबा प्रकृति को कहे कि अभी आप उथल पाथल ऐसे करो, नहीं। और शंकर का तो पार्ट ही नहीं, तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे कहना भी रॉन्ग। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे, अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाती हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। जो पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में कल दादी का क्लास ने सुना वो तो ठीक, पीस ऑफ माइंड वालों ने तो सुना, बाकी कल शाम को दादी का क्लास किसने नहीं सुना? हाथ उठाओ, आप लोग अपनी ड्यूटीज़ में बिजी होंगे, परंतु ये फर्स्ट टाइम दादी ने बताया, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है, कि फर्स्ट स्टेज है कि आत्मा रथी बन करके अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बने, सेकंड फिर ड्राइवर बन करके कभी एक्सीडेंट ना करे, और फिर थर्ड स्टेज पायलट बन करके आत्मा उड़ती रहे। बाबा की मुरली में ये सब बातें आती है, परंतु इस तरह का सीक्वेंस फर्स्ट टाइम मैंने सुना। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसीलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता। अभी तुम्हारे बुद्धि में 84 का चक्कर है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज कर समझाते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। किस बात में बाबा कहते हैं हार्ट फेल हो जाते? कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, बहुत सहज है ज्ञान समझना। फिर नेक्स्ट फिर कोई कहता मुख से कुछ निकलता नहीं, बाबा क्या कहेंगे? बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है तो ज्ञान तो सुनते हैं, बाबा करके कहते सहज करके मैं बताता हूँ, फिर कहते कि मुख से ज्ञान नहीं निकलता, तो बाबा फिर क्या उत्तर देंगे? परंतु ऐसे तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। दो बातों में चलता है मुख, कितना भी पढ़ा लिखा ना भी हो परंतु दो बातों में तो मुख जरूर चलेगा ही। खाना खाते हो तो मुख चलता है ना, और दूसरा बच्चों को जिस समय डांटना होता, बच्चों को कुछ समझाना होता, कितना भी माँ बाप अनपढ़ हो तो भी तो मुख तो चलता है ना। तो बाबा कहते वाणी न निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। अच्छा चलो
कोई मौन में भी रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। तो ये कह ही नहीं सकते हम कि उसको ज्ञान नहीं समझा सकते, मुख चलता नहीं। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है, भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्त में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं, पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता। अभी हमारा पार्ट है, हमारा क्या पार्ट है अभी? अभी हमारा पार्ट है आज के मुरली अनुसार कहीं उत्तर निकल सकते, परंतु आज के मुरली अनुसार बाबा कहते विश्व को नया बनाना। बाबा मददगार की बात, पूजा की बात, कौन पूजनीय लायक होंगे उसकी बात कह रहे हैं। तो बाबा कहते हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी में कौन सा नाम ये बात स्पष्ट करता कि भगवान का पाठ क्या है? वो कहने वाले लोग नहीं जानते, परंतु बाबा ने स्पष्ट किया है, बता रही हैं, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता। कभी भी जब ये शब्द आता है क्रिएशन रचना का, तो कभी भी पुरानी की बात नहीं आ सकती। शब्द का ही भाव ये है कि नई बात की रचना। तो बाबा कहते शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, उनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम है शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाती हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं, और ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारा यूनिवर्स को चेंज किया जाता, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से विश्व को चेंज किया जाता। उनों के जो भी कैरेक्टर्स है सब है आसरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर स्थापन करते हैं विश्व का उद्धार करने। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग को की समझ मिली है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझाता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइचस होता, जिसको ट्रूथ कहा जाता, सत्य।
बाप भी आकर हर एक को राइचियस बनाते। राइचियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबर वार आते हो। ये खेल चलता ही रहता, ड्रामा शूट होता जाता। एक तरफ बाबा कहेंगे कि अनादि अविनाशी जो पाठ नूंदा हुआ है वही होता, फिर साथ साथ बाबा दूसरी बात क्या कहते उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। ड्रामा शूट होता जाता, ये एवर न्यू है। एक तरफ जो फिक्स है वो होता, दूसरी तरफ बाबा कहते एवर न्यू है। तो बुद्धि जब क्लियर होती तब पता है कि एक शब्द किस बात में बाबा कहते, दूसरा शब्द फिर बाबा किस बात में कहते। और बुद्धि क्लियर नहीं है तो मिक्स हो जाती है, तो फिर उसमें पुरुषार्थहीन हो जाते। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल तो मांडवा देखो कितना बड़ा है। अविनाशी खेल और उसका फिर मांडवा कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते, वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होंगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर ड्रामा बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता, इसीलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएंगे, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। लास्ट सेंटेंस ही सारी मुरली का सार है, हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। कोई भी बात सोचते देखते रुकना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रित, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। थोड़ा ढीले ढीले बोल रही है। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है इससे राइचियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है।
राइटियस बनने से जीवन बंधन से छूटते। वरदान तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की संपत्ति द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। गुरु लोग कहते हैं कि तन मन धन आपका सब ठीक रहे, तो आज सतगुरु क्या कहते हैं वो सुनना। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता, तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वत प्राप्त होता। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद में रहो, सेवा करते रहो, तो लॉक ऐसे होगा जो माया न आ सके, परंतु दोनों एक होगा तो फिर भी आने की मार्जिन है। बाबा कहते हैं दोनों, याद और सेवा। ओम शांति। आज हम सभी बाबा को याद प्यार विशेष देंगे। मोहिनी बहन सबका की तरफ से बाबा के पास जाएंगी भोग लगाने।